मंदी की आहट सुनाई दे रही है, हर क्षेत्र में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले संकेत ऑटोमोबाइल क्षेत्र से देखने को मिले हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कंपनियों ने जॉब में कटौती कर दी है। सभी राज्यों में गाड़ियों की बिक्री में गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तेजी रही। माना जा रहा है कि किसानों को धान तेंदुपत्ता के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भूपेश बघेल की सरकार ने जो फैसला लिया, उससे ये तेजी आ पाई है। अब भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दी है कि भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह समझना पड़ेगा कि क्रय शक्ति बढ़ाकर ही इस मंदी से निपटा जा सकता है। यूपीए की जो नीति थी कि आम जनता के क्रय शक्ति को कम नहीं होने देना है, मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाया गया जिसे गरीब जनता के जेब में पैसा पहुंचा और उसके कारण से मंदी का असर देश में नहीं हुआ। आज छत्तीसगढ़ में भी हमने जैसे ऋण माफी किया है, 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया है, तेंदू पत्ता 4000 रुपए का मानक बोनस किया, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे सीधा आम जनता को लाभ मिला। और यही कारण है कि पूरे देश में जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी है, छत्तीसगढ़ में ग्रोथ है। बिलासपुर के